समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुम्हें जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या बाहुबली 3 अब नहीं बनेगी? क्या है इसके पीछे की वजह? किसने किया ये खुलासा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। डायरेक्टर राजा मौली ने जरूर बाहुबली संसार की रचना की है, लेकिन उस संसार को जन्म देने का सारा श्रेय उनके पिता और फिल्म के राइटर के विजेंद्र प्रसाद को जाता है। उन्होंने बाहुबली के संसार को कागज के पन्नों पर पहली बार लिखना शुरू किया और उसके बाद राजा मौली ने उसे अपनी सोच से इतना विशाल रूप दिया। फिल्म के दोनों भाग अब लोगों के सामने रिलीज किए जा चुके हैं और दोनों ही भागों ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। दूसरा भाग जिसने ना जाने कितने ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए हैं और अभी भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इसके बाद तुरंत ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाहुबली 3 भी जल्द लोगों के सामने पेश की जा सकती है। हालांकि इन खबरों के पीछे राजा मौली के कुछ पुराने ट्वीट्स का हवाला दिया जा रहा है, जिनमें से उन्होंने कुछ ऐसी आशंका जताई थी कि बाहुबली 3 भी बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है। जबकि इन सारी खबरों को लिखने वालों ने उनके रीसेंट इंटरव्यूज को किनारे कर दिया है, जिनमें उन्होंने ऐसी सारी खबरों को बकवास करार दिया है। हाल ही में DNA ने बाहुबली सीरीज के राइटर के विजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और बाहुबली 3 के बारे में जानने की कोशिश की। प्रसाद के अनुसार, हम लोगों ने बाहुबली की कहानी को दोनों भागों में खत्म कर दिया है। इसके बाद तीसरा भाग नहीं बन सकता है। मैंने और मेरे बेटे ने इसके आगे कुछ भी प्लान नहीं किया है और ना ही मैं इसके बाद बाहुबली की कहानी लिख रहा हूँ। तो इस तरह से राजा मौली के बाद उनके पिता ने भी बाहुबली 3 को लेकर सारी खबरों को अफवाह करार दे दिया है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास, अगर आप भी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज़।